प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबको जय मसीह की। प्रिय मसीह में भाई बहन, आपका सोच कहाँ पर है? आपका सोच अच्छा है या बुरा है? आपका सोच, आपका मन पूरा दिन अच्छा सोच रहा है या किसी के बारे में बुरा सोच रहा है? आपका सोच पाप करने के लिए या पाप के बारे में हर टाइम सोचते रहते हैं क्या? वो विश्वासी गिर जाएंगे, दोबारा उठ नहीं पाएंगे, वो तो गए, ऐसे सोचते हैं क्या? वो विश्वासी तो गया, वो फैमिली तो गया, बुरी तरह फाइनेंस में फंसा हुआ है, वो तो गिर जाएंगे, दोबारा उठ नहीं पाएंगे, ऐसे दूसरे के बारे में आप सोचते हैं क्या? किसी गलत विषय में कोई पाप करने के लिए आपका मन सोचते ही रहते हैं क्या? किसी विश्वासी के बारे में, किसी विश्वासी फैमिली के बारे में गलत सोचना, नेगेटिव सोचना तभी आपके मन में आता है जब आप प्रार्थना नहीं करते हैं, बाइबल नहीं पढ़ते हैं, बाइबल का वचन नहीं सुनते हैं, बाइबल वचन सुनने के पहले आपको कान को बंद कर लेते हैं, टुकरा देते हैं, तभी आपके मन में ये दूसरे के बारे में गलत सोच, पाप का सोच आ जाता है। प्रिय मसीह में भाई बहन, बाइबल पढ़ते रहेंगे, प्रार्थना करते रहेंगे, बाइबल वचन को आपके दिमाग में चलाते रहेंगे तभी आपका सोच अच्छा रहता है। जब तक आप प्रार्थना नहीं करेंगे, बाइबल नहीं पढ़ेंगे, घुटनों में रह के प्रार्थना नहीं करेंगे, बाइबल को हाथ भी नहीं लगाएंगे, बाइबल वचन को पढ़ेंगे ही नहीं, फिर आपका सोच कैसे रहेगा? ये आपका सोचना है। प्रिय मसीह में भाई बहन, किसी के बारे में गलत सोचना, हर टाइम पाप के विषय में सोचना, किसी गंदा विषय को आपका दिमाग में चलाते रहना, ये मसीह जीवन में बहुत गलत है। प्रिय मसीह में भाई बहन, अच्छा बाइबल का मैसेज वीडियो नहीं देखते हैं आप, पाप से भरा हुआ, गंदगी भरा हुआ ऐसे वीडियो देखेंगे तो फिर आपका सोच कैसा रहेगा? मसीही जीवन जी के प्रार्थना करके, बाइबल वचन पढ़ के, चर्च में जाके आराधना करके फिर भी ऐसे वीडियो देखेंगे तो मसीह जीवन में फिर आपको सोच कैसे रहेगा? जिंदा परमेश्वर, जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीहा आपका प्रार्थना स्वीकार करेंगे, हर टाइम किसी के बारे में गलत सोचेंगे, हर टाइम आपका दिमाग में पाप के बारे में सोचते रहता है, फिर ये मसीह जीवन कैसे हुआ आपका सोचना है। प्रिय मसीह में भाई बहन, वो विश्वासी गिर जाएंगे, वो फैमिली गिर जाएगा, दोबारा उठ नहीं पाएगा, ऐसे बोलना नहीं है। प्रिय मसीह में भाई बहन, जो दिक्कत में है, जो तकलीफ में है, उन भाई के लिए, उन सिस्टर के लिए, वो परिवार के लिए आपको प्रार्थना करना चाहिए। जो तकलीफ में है उन परिवार के लिए आप फाइनेंस में हेल्प नहीं कर पाएंगे तो कोई बात नहीं, कम से कम प्रार्थना करो, किसी से गलत मत बोलो, गलत मत सोचो। प्रिय मसीह में भाई बहन, अगर आपको मसीह जीवन में आगे बढ़ना है, बहुत ऊंचाई में पहुंचना है तो पहले आपका सोच में गलत नहीं आना चाहिए, पाप नहीं आना चाहिए आपका मन में, आपका सोच में हर टाइम पाप के बारे में नहीं सोचना चाहिए। किसी का विश्वासी के घर जाके चाय पी के, खाना खा के, फिर उसी को अपनी बातों में दुखा के, उनको रुला के नहीं आना चाहिए। दुखी विश्वासी परिवार के लिए आपको प्रार्थना करना चाहिए, बल्कि उनको अपनी बात में दुखाना नहीं चाहिए। आप जाने के बाद वो फैमिली बैठ के रोएंगे तो आपको आशीष कैसे मिलेगा? ये आपका सोचना है। प्रिय मसीह में भाई बहन, आपका दिमाग में, आपका मन में, आपका सोच में क्या चल रहा है? पाप के बारे में सोच रहे हैं, गंदगी भरी विषय बारे में सोच रहे हैं, या हर टाइम आप प्रार्थना कर रहे हैं, या बाइबल का वचन आपका दिमाग में चल रहा है, आपका दिमाग में पाप के विषय में सोच रहे हैं या गंदगी भरी विषय सोच रहे हैं? ये परमेश्वर, जीवित परमेश्वर, सच्चा परमेश्वर, जिंदा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीहा जानते हैं आपके सोच में क्या है, वही आपके बातों में आता है। प्रिय मसीह में भाई बहन, आपको हर टाइम बाइबल पढ़ना है,
प्रार्थना करना है। प्रिय मसीह में भाई बहन, आओ हम बाइबल से एक वचन पढ़ते हैं। भजन संहिता 66:18 हम पढ़ेंगे। यदि मैं मन में अनर्थ की बात सोचता तो प्रभु मेरी ना सुनता। आमीन। हालेलुया 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 हालेलुया। जीवित परमेश्वर, जिंदा परमेश्वर, आपको तारीफ करते हैं, तारीफ करते हैं परमेश्वर यीशु मसीहा। हमारा सोच अच्छा होना चाहिए, किसी के बारे में बुरा नहीं सोचना चाहिए, पाप नहीं सोचना चाहिए, हर टाइम पाप के विषय में नहीं सोचना चाहिए। पाप के विषय में मेरा मन में, मेरा सोच में, मेरा दिमाग में नहीं आना चाहिए प्रभु यीशु मसीहा। हमें किसी को भी बातों में नहीं दुखाना चाहिए, रुलाना नहीं चाहिए। मेरा दिमाग में, मेरा मन में, मेरा सोच में कभी पाप के बारे में नहीं सोचना चाहिए। गंदगी भरी हुई सोच कभी नहीं आना चाहिए। सच्चा परमेश्वर, जीवित परमेश्वर, परमेश्वर यीशु मसीहा, हमें हेल्प करो, हमें हेल्प करो, हमें सहायता करो परमेश्वर यीशु मसीहा। हमारा प्रार्थना सुन के उत्तर देने के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं। आमीन आमीन आमीन।